नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 8 नवंबर साल 2016 के दिन जब देश में नोटबंदी हुई थी, तब मोदी सरकार का ये कदम काले धन और नकली नोटों पर बड़ा हमला था। 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करके मोदी सरकार ने 2000 के नोट को बाजार में उतारा था, जिसके बाद कई लोगों का मानना था कि बड़े नोट से कालाबाजारी भी ज्यादा होगी। लेकिन अब अपने उस फैसले के करीब 4 साल बाद मोदी सरकार ने एक बार फिर से नकली नोटों और काले धन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया, जिसकी जानकारी संसद में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। दरअसल पिछले कुछ महीनों या फिर करीब 1 साल से 2000 का नोट चलन में कम हो गया। अब आप अगर एटीएम मशीन से भी पैसे निकालेंगे तो वहां भी 2000 का नोट नहीं निकलेगा। इसके बाद हर इंसान के मन में ये सवाल कौन रहा था कि आखिर 2000 का नोट चलन में कम क्यों हो गया, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, जिसका जवाब अब खुद अनुराग ठाकुर ने दिया। 2019 के बाद से नहीं छपा 2000 का नोट। संसद में इस बात की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि नोटों की प्रिंटिंग को लेकर सरकार पहले आरबीआई से बात करती है, फिर कोई फैसला लिया जाता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि साल 2019 के बाद से एक भी 2000 का नोट नहीं छापा गया। यही नहीं, अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में लगातार 2000 रुपए के नोट प्रचलन में घटे। उन्होंने बताया कि 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के 336.2 करोड़ नोट चलन में थे, जबकि 26 जनवरी साल 2021 को 2000 के नोटों की संख्या घटकर 249.9 करोड़ रह गई थी। इससे पता चलता है कि 2016 के बाद से साल दर साल 2000 के नोटों का चलन कम हुआ। जमाखोरी को रोकने के लिए उठाया गया कदम। इस कदम के पीछे केंद्र सरकार का कहना है कि ये कदम जमाखोरी रोकने के साथ साथ ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए उठाया गया। सरकार के आंकड़ों की माने तो 2018 से 3 साल के दौरान जहां 2000 रुपए नोट का प्रचलन घटा है, वहीं इस दौरान 500 और 200 रुपए के नोटों का चलन बढ़ा है। जिस 2000 के नोट का चलन साल 2019 के आखिरी में 3% के आसपास था, साल 2020 के अंत में 2000 के नोट का चलन घटकर केवल 2.4% के आसपास है। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार ने एक बार फिर से जमाखोरी और ब्लैक मनी पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी। आपका हमारी इस खबर पर क्या कहना है? क्या 2000 का नोट बंद हो जाना चाहिए? आपका इसको लेकर जो भी मानना हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।